गाइज हम इस नोच एरिया को हाइड कैसे करें? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये हाइड नहीं है, अनहाइड है। तो गाइज कभी कभी हमारे ऐसा होता है फ़ोन में कि ये देखिए हमारा सब सफ़ेद कलर का होता है, और ऐसे में हमारा कोई अगर वॉलपेपर भी थोड़ा वो सफ़ेद होगा तो ऐसे में जो है हमें ये टाइम और ये परसेंटेज जो है नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में जो होता है हमारा जो नोच एरिया होता है हमें उसे हाइड करना होता है। वैसे में वो हमारा काला होता है इसीलिए वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो गाइज बस वीडियो में बने रहिए एंड तक, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। ये टेक्नो का फ़ोन है, आप आसानी से देख सकते हो। सो गाइज बस चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी देखिए, अभी आपको जो है अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। देखिए गाइज मैंने अपने सेटिंग ऐप का जो है ओपन कर लिया है, और वहाँ में आने के बाद देखिए हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला ऑप्शन है, इसी में आपको चला जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको इसे थोड़ा स्लाइड डाउन यहाँ पे देखिए मतलब थोड़ा नीचे करना है, और यहाँ पे देखिए हमें एक ऑप्शन मिल जाता है नोच एरिया डिस्प्ले। ये आप देख सकते हो नोच एरिया डिस्प्ले मिल जाता है। तो ऐसे में ये आप देख सकते हो, अभी देखिए ये सेल्फ एडेप्शन यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो एक मिल जाता है ऑप्शन वो होता है हाइड नोच एरिया। ये आप देख सकते हो हाइड नोच एरिया। तो बस एक बार आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आप देख सकते हो बस एक बार इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अब ये देखिए कुछ ब्लू टाइप का हो जाता है। और अब आप बैक आके देख सकते हो, अब हमारा जो ऊपर का जो नोच एरिया था वो आप देखिए कितनी आसानी से जो है ब्लैक हो गया है। ये आप गाइस देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से अब जो है हमें टाइम अपना क्लियर दिखाई पड़ रहा है, और ये देखिए हमें यहाँ पे बैटरी परसेंटेज हर चीज़ मतलब बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। वैसे में जो हमारा थम यहाँ पे देखिए जो वॉल पेपर होता था वो बिल्कुल थोड़ा सफ़ेद ही होता है, वैसे में हमें जो है दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे में जो है बहुत कम दिखाई पड़ता है, लेकिन आप जो है जब इसे नोच एरिया को हाइड कर दोगे तब बिल्कुल ही साफ दिखाई पड़ेगा और बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। सो गाइज अगर ये वीडियो आपके थोड़े भी काम आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं टेक पर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।